नेशनल वार मेमोरियल में आए हुए हैं। हम नेशनल वार मेमोरियल में ना शाम के 7 बजे तक पहुंच गए थे। यहाँ शाम के 7 बजे तक पैरेड स्टार्ट हो जाता है, तो हम करेक्ट टाइम से यहाँ पे पहुंच गए हैं। लोग पहले से ना मतलब लाइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, पर पैरेड स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे ही हम पहुँचे उसी के बाद पैरेड स्टार्ट हुआ, तो वी आर लकी। एंड यहाँ पे होता है ना कि जो हमारे देश के लिए जो भी शहीद हुए हैं उनकी वाइफ को यहाँ पे बुलाया जाता है, मतलब रोज अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको बुलाया जाता है पैरेड के दरमियान, उनको मतलब उनसे फूल चढ़वाया जाता है। तो हम पूरे पैरेड देखे हैं फिर वापस आए हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिक के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैडम जी नीचे चलिए नीचे चलिए नीचे चलिए आप लोग नीचे चलिए डाउन डाउन स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर दुश्मन ने सैन्य दस्ते के 15 प्रत्युत्तर की कार्रवाई को अंजाम देते And therefore have received and his battalion had launched a major counter offensive against the militants. घूमते घूमते शाम हो गई है, तो हम मेमोरियल से अब बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारे ना छोटे छोटे ब्रिक्स में सबका नाम लिखा है, जो जो अपने लाइफ को कंट्रीब्यूट किए हैं देश के लिए, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम आए हैं इंडिया गेट, यहाँ पे ना हम मेमोरियल घूमे जी, मेमोरियल घूम लिए। अब काफ़ी थके हैं तो आंखें बैठे हुए हैं, तो चिड़ी की आवाज़ हो रही है तो वही आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ठंडा सा वेदर हो गया क्योंकि आज काफ़ी बारिश भी हुई थी, तो शाम का ठंडा वेदर हो गया है, अच्छा लग रहा है। बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर खड़े होंगे, अभी एनर्जी फुल्ली ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल हम इंडिया गेट और मेमोरियल दोनों के बीच में बैठे हुए हैं पार्क में, तो कुछ देर रिलैक्स करने के बाद फिर खड़े होंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस अब हम घर के लिए निकलेंगे, रेस्ट ले लिए हैं, तो रेस्ट करके मैं और प्रियांश एक साथ अब निकल रहे हैं। आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।